आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड 8 मैथ्स डेटा हैंडलिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो देखो सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कोई भी इवेंट आप ले लो, लाइक मैंने सिक्का उछाला ऊपर, तो सिक्के में दो ही बाजू होती है हेड एंड टेल। ओके, दो ही बाजू होती है हेड एंड टेल। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि हेड आने के चांसेस कितने हैं और टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो अभी देखो कि टोटल साइड कितनी है, दो है। तो अगर मैं ऊपर उछालूंगा, मीन्स मैं ऊपर अगर ले जाऊंगा कॉइन को, तो कॉइन ऊपर होके नीचे आने के बाद या तो हेड भी हो सकता है या तो टेल भी हो सकता है। मीन्स पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी दो है, उसमें से हेड के आने की पॉसिबिलिटी वन। तो क्या ले लो, टोटल इवेंट के टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, दो, या तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन हमको लाना क्या है, हेड। क्या लाना है, हेड। तो ये आया 1/2। वन मीन्स जो हमको चाहिए वो, और जो टोटल पॉसिबल है वो। वैसे मान लो कि मेरे पास में डाइस है, और पता है ना सिक्स साइड वाला, कि जिसमें एक साइड वन होता है, एक साइड टू होता है, एक साइड थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, छह अलग अलग साइड होती है। तो इसमें टोटल इवेंट्स के टोटल रिजल्ट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट के टोटल रिजल्ट हो गए 6। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डाइस को अगर आप ऊपर उछालोगे तो उसमें से फोर आने के चांसेस कितने हैं। अब आप सोचो कि जब आप डाइस को उछालते नहीं है, वैसे डाइस को हम खेलते हैं ना, तो अगर फोर आने के चांसेस कितने हैं, तो टोटल सिक्स, वन भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, तो टोटल छः। तो टोटल पॉसिबिलिटी छः है, लेकिन उसमें से फोर की आने की पॉसिबिलिटी तो सिर्फ वन ही है ना। फोर की आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वन है, क्योंकि वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है। तो टोटल सिक्स नीचे आया, उसमें से सिर्फ फोर, मीन्स एक ही रिजल्ट आना है। तो जो हमको लाना है वो ऊपर, और टोटल जो आएगा वो नीचे आएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। वैसे मान लेते, चलो एक दूसरा एग्जांपल है कि लाइक हम खेलते बैट और बॉल से, हम खेलते हैं ना बैट और बॉल से, तो मान लेते हैं कि बैट और बॉल में एक दो रन जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ फोर एंड सिक्स। अगर बैट पे लगा तो फोर ही जाएगी या तो सिक्स जाएगी, तो टोटल हमारे टोटल रिजल्ट्स कितने हो गए, दो। तो जो टोटल आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, नीचे। तो टोटल रिजल्ट दो, और हम मान लेते हैं कि शायद फोर भी जाएगी या तो शायद सिक्स भी जाएगी, तो शायद, तो फोर जाने के चांसेस भी वन है और सिक्स जाने के भी चांसेस भी वन है। तो फोर की पॉसिबिलिटी भी 1/2 और सिक्स की पॉसिबिलिटी भी 1/2। मीन्स टोटल जो रिजल्ट आएंगे वो आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, और जो आपको चाहिए वो रिजल्ट आपको न्यूमिनेटर में लिखना है। अब चलो इसी कॉन्सेप्ट से आगे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर थ्री। तो एग्जाम्पल थ्री में क्या दिया है आपको, कि अ बैग हैज अ फोर रेड बॉल और टू येलो बॉल। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ ना, वैसे वैसे हमको लिखते जाना है ऐसे ही, कि कितने, तो फोर रेड बॉल है हमारे पास और दो येलो बॉल है, फोर रेड दो येलो बॉल है। अ बॉल इज ड्रोन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू बैग। तो बैग के अंदर देखना नहीं है, देखे बिना वहां से बॉल उठाना है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल की देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहले रेड बॉल की पॉसिबिलिटी और सेकंड में येलो बॉल की पॉसिबिलिटी। तो दोनों को अलग अलग क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है कि आप रेड बॉल को निकालो, मीन्स रेड बॉल को निकालो, वो प्रोबेबिलिटी हमको देखनी है, और सेकंड में आप येलो बॉल को निकालो वो भी प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में क्या है, मैंने क्या बोला कि पहले आप फाइंड करो कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, तो फोर रेड और टू येलो। तो ये जो इवेंट हमारी हुई, इवेंट, तो इवेंट में से टोटल बॉल जो निकलने वाले हैं वो कितने हैं दोनों के लिए, यहाँ पे भी सिक्स और येलो बॉल है टोटल इवेंट के लिए, तो टोटल जो निकलने वाला है तो वो तो दोनों में सिक्स सिक्स है ना, तो यहाँ पे भी सिक्स और यहाँ पे भी सिक्स। फिर से रेड बॉल
कितने थे, 4, येलो बॉल 2, तो टोटल यहाँ से आउट का मिस टोटल बाहर निकलने वाला टोटल कितना है, तो अगर ये भी लेंगे तो भी इवेंट के टोटल रिजल्ट 6 हुए, और ये लेंगे तो भी इवेंट के टोटल रिजल्ट कितने हुए, 6 हुए। अब वन बाय वन क्वेश्चन पे जाओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब देखो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अभी देखो मैंने ऐसा बताया था कि जो टोटल इवेंट्स के रिजल्ट होते हैं ना, टोटल रिजल्ट्स, वो आपको नीचे लिखना है, तो टोटल रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखे, ऊपर ऊपर क्या लिखना है आपको, ऊपर ये लिखना है कि उसमें से ये आने के चांसेस कितने हैं, चांसेस जो है ना वो ऊपर लिखना है, और टोटल रिजल्ट नीचे। तो अभी देखो 6 बॉल आप रैंडमली 6 बॉल चूज करोगे, तो 6 बॉल में से रेड बॉल कितने हैं, 4, तो 4 टाइम चांसेस किसका बनेगा, रेड बॉल का। ओके, तो चांसेस रेड बॉल के कितने हो गए, 4, तो 4 को ऊपर लिखो, और टोटल रिजल्ट कितने हैं, 6, तो 4 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3। तो जो जो बैग है, बैग में से रेड बॉल के जो निकालने के जो चांसेस है वो कितने हैं, 2/3, रेड बॉल के जो निकालने के जो चांसेस है वो कितने हैं, 2/3, 2/3 को आप 0.66 भी लिख सकते हो, 0.66 भी लिख सकते हो, मीन्स 1 में से 0.66 में 66% इसके चांसेस है रेड बॉल के निकालने के, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछेगा, तो आपको 2/3 लिखना है। वैसे येलो के चांसेस, तो येलो बॉल कितने हैं, 2, तो येलो बॉल के चांसेस कितने हो गए, 2, तो 2 चांसेस किसके हुए, येलो बॉल के। तो टोटल इसकी भी प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी थी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी, तो चांसेस कितने हैं, 2, टोटल रिजल्ट कितने हैं, 6, तो 2/6 मींस 1/3, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 हो गई। ओके, तो ये दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो गई।